राज्य के नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण राज्य मंत्री प्राजक्त तांतपुरे को नगर सेवक स्नेहल रामटेके ने किस संदर्भ में निवेदन सौंपा, देखिए इस खबर में। राज्य के नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ति व्यवस्थापन, मदद व पुनर्वसन राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे का आगमन 6 जुलाई को चंद्रपुर में हुआ था। इस दौरान भाऊपेट स्थित बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े भवन का भी उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, नगर सेवक दीपक जायसवाल के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के अन्य नेतागण उपस्थित थे। साथ ही इस परिसर के नागरिकों के साथ प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े यह सभागृह बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े मेमोरियल ट्रस्ट को चलाने के लिए देने की मांग नगर सेवक स्नेहल रामटेके तथा उनके सहयोगियों ने एक निवेदन राज्य मंत्री को देकर किया। इस मौके पर नगर सेवक स्नेहल रामटेके के साथ दिवाकर रामटेके, तुलसीदास टिपले, विजय चांदेकर, मिथुन कातकर, प्रज्ञाशील सहारे, क्षितिज रामटेके, कमलाकर खोबरागड़े आदि उपस्थित थे। वहीं इस निवेदन के संबंध में नगर सेवक स्नेहल रामटेके ने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उनकी बानी। चंद्रपूर जिल्ह्याचे भाऊपेठ हे बालेकिल्ला म्हणून, आंबेडकर चळवळीचे बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो। आणि हे भवन बनवताना भाऊपेठकरांची अशी इच्छा होती की हे भवन भाऊपेठकरांच्या ट्रस्टला देण्यात यावं, भाऊपेठकरांच्या स्वाधीन देण्यात यावं, भाऊपेठकरांच्या कामामध्ये यावं, चंद्रपूर शहराच्या कामामध्ये यावं, यासाठी भाऊपेठकरांतर्फे एक बॅरिस्टर राजाभाऊ खोबरागळे मेमोरियल ट्रस्ट सोसायटीला हे भवन सोपवण्यात यावं अशी भाऊपेठकरांची आणि चंद्रपूर शहरातील प्रत्येक आंबेडकरी लोकांची ही मागणी आहे। आणि आज प्राजक्त दादा तनपुरे साहेब राज्याचे राज्यमंत्री यांनी आज धावती भेट या भवनाला दिली, भवनाची पाहणी केलेली आहे आणि या पाहणीमध्ये त्यांना हे निवेदन दिलेलं आहे। आणि त्यांनी आम्हाला असं सुचवलं आहे की आम्ही याबद्दल भाऊपेठकरांचा विचार घेऊन भाऊपेठकरांच्या स्वाधीन हे भवन आम्ही देणार आहोत।